पंजाब में फिर सियासत में हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक व फिरोजपुर के जिला प्रधान कुलबीर सिंह जीरा को सुबह करीब 5 बजे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जीरा पर BDPO दफ्तर में जाकर सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे थे और आज सुबह पुलिस ने उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिया है। इस समय देखा जाए तो पंजाब में राजनीति गरमाई हुई है। एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। पंजाब में कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा को आज सुबह उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक जीरा को किस मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस ने फिरोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के स्टाफ को काम करने से रोक दिया था और उनके खिलाफ इसलिए केस दर्ज किया गया है। स्थानीय पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक BDO की तरफ से बताया गया था कि जीरा 70 से 80 समर्थकों के साथ उनके दफ्तर में घुस गए थे, साथ ही कांग्रेस नेता पर काम में बाधा डालने और उनके रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। तो वहीं पूर्व MLA को पुलिस द्वारा न्यायिक जज के निवास पर पेश किया गया, जहां उन्हें 31 अक्टूबर तक केंद्रीय जेल फिरोजपुर में भेज दिया गया है। अब इसके बाद वो 31 अक्टूबर तक केंद्रीय जेल फिरोजपुर में ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद राजनीति अब तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारियों का ये मामला कोई पहला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी JMIC कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 28 सितंबर को खेरे को उनके चंडीगढ़ आवास से गिरफ्तार किया गया था। साल 2015 के ड्रग्स तस्करी मामले में उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। उस दौरान कांग्रेस नेता को 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। 30 दिसंबर को उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन को पहले ही खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता खेरा ने आम आदमी पार्टी को घेरा था। उनका कहना था कि भगवत मान सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने CM भगवंत मान पर बदले की राजनीति के आरोप लगाए थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए 1 इंडिया हिंदी।